इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पिछले 20-25 सालों में काफी सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अब देखिए, जो भी पर्सन इन्वेस्ट करने जाता है उसको एक कॉमन एडवाइस यही मिलती है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और आग बंद करके पैसा डालो, क्योंकि इंडेक्स फंड ने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, कुछ इस तरह के। लेकिन रिसेंटली हम अपने ऑफिस में कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे, तभी हमारी रिसर्च टीम के एक पर्सन ने कहा कि शायद इंडेक्स फंड जो है अभी जो लोग समझ रहे हैं उसमें सभी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? तो फिर उन्होंने ये डेटा लाया जहां पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने साल 2000 में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता और साल 2005 में एग्जिट ली होती तो उन्हें कंपाउंडेड सालाना सिर्फ 6.3% का रिटर्न मिलता। अगर किसी ने जनवरी 2008 में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता सेंसेक्स या निफ्टी के, तो 2013 तक कंपाउंडेड सालाना उन्हें कितना रिटर्न मिलता? -1.19%। जिसके बाद अब ये सवाल आता है कि क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते टाइम हमें टाइमिंग करने की जरूरत है, क्योंकि डेटा तो कुछ ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से बेटर इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग करके मैंने पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 23% का रिटर्न कमाया है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करते टाइम कैसे लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और कैसे आप यहाँ पर बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इस वीडियो को आधा मत छोड़िए, क्योंकि अकेला वीडियो आपके इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट को काफी गुना बेहतर बनाएगा। अब देखिए, अब जो आम इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स है वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? सिर्फ 46% म्यूचुअल फंड यूनिट्स ही 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किए जाते हैं, और सिर्फ 3% म्यूचुअल फंड यूनिट्स 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड किए जाते हैं। यानी कि ज्यादातर लोग इंडेक्स फंड को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में जब आप गलत टाइम में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसका सलूशन क्या है, ये काफी एक प्रॉब्लमेटिक मैटर हो चुका है। तो आपको बता दूं कि जब भी इंडेक्स फंड का नाम आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो आपके दिमाग में आएगा या तो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। लेकिन इन दोनों के साथ एक मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? इन दोनों के साथ मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पास्ट के जो विनर्स हैं उनको पर्टिकुलरली जगह मिल जाती है। जैसे कि रिलायंस है, पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, एक लेजेंडरी स्टॉक है, लेजेंडरी कंपनी है, उनकी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। TCS है, इन्फोसिस और कई सारी कंपनीज हैं। अब सभी को पता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है या फिर आप ब्लू चिप कंपनीज इन्हें कह सकते हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुकी है कंपनीज, तो आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स इन्हें देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कई सारी कंपनीज तो ऐसी होती है कि जो इस लिस्ट में आती है टॉप की, और फिर वहाँ से उनका डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को करनी चाहिए तो वो ये है कि अपने पोर्टफोलियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड। तो एक्टिव में आप क्या करते हो? अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप एक स्मॉल कैप खरीदते हो, एक मिड कैप भी खरीदते हो, और उसे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हो अपने रिस्क के अनुसार। अगर कोई एजेड पर्सन है या रिटायर्ड पर्सन है तो वो प्रीफर करेंगे सिर्फ लार्ज कैप ही, क्योंकि उनकी रिस्क वो सूट करता है। तो एज अ यंग पर्सन आपकी रिस्क के लिए अलग अलग चीज़ें सूट कर सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सिर्फ फंसे हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स फंड में, जो कि पर्टिकुलरली लार्ज कैप कैटेगरी को टारगेट करता है। तो यहाँ पर भी एक डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत हेविली मिसिंग है, क्योंकि जब भी इंडेक्स फंड की बात आती है तो एग्जैक्टली ये कोई नहीं बताता कि किस तरह के इंडेक्स फंड की तरफ हमें देखना है। क्योंकि 5 साल पहले की बात करें तो मेनली सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स फंड्स अवेलेबल थे, लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी सारा इवोल्यूशन हो रहा है इंडेक्स फंड के वर्ल्ड में, ETF के वर्ल्ड में, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, तो उन्हीं के बारे में भी हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, ताकि आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली है, अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, रिस्क के अनुसार सबसे पहले तो हमें इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। एज सच सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गलत कुछ नहीं है, बट यही है कि वो एक कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही लार्ज कैप कंपनीज़ का, जहाँ पर ग्रोथ आपको बहुत लिमिटेड मिलेगी। तो अगर आप यंग हैं तो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। यानी कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज़ आ गई मार्केट कैप के अनुसार, और उन 50 के बाद की जो 50 कंपनीज़ है वो आती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। यानी इनमें से कई सारी कंपनीज ऐसी होगी जो आगे चलकर निफ्टी 50 में जा सकती है, यानी इसमें आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी बेटर मिलेगी। और अगर हम रिटर्न्स पर नज़र डालते हैं तो कुछ इस तरह के रिटर्न्स निफ्टी नेक्स्ट 50 के हैं। इसे अगर हम साइड बाय साइड निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। लेकिन क्यों निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए? क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो कंपनीज है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल कंपेयर टू निफ्टी 50 वाले स्टॉक से बेटर है। अब देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आपको मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स ही मिलते हैं, तो ये भी उन लोगों के लिए जो थोड़े रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते। बस फर्क ये है दोनों में कि निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले ऑलरेडी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी अब तक नहीं बन चुके हैं, और मतलब ग्रोथ पोटेंशियल उनमें थोड़ा बेटर है। साथ ही निफ्टी 50 में जो सेक्टरल कॉन्सेंट्रेशन है वो BFSI, टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस में ज़्यादा है, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो और भी बेहतर निकल कर आता है।
ये कुछ लिस्ट है उस म्यूचुअल फंड्स की जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड आपको ऑफर करते हैं। अगला और एक नया ऑप्शन आपके सामने है, वो है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। जैसे कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होती है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये सारी कैटेगरीज आती है, उसी तरह से इस इंडेक्स में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और माइक्रो कैप ये सारे ऑप्शंस इस इंडेक्स फंड में आपको मिल जाते हैं। ये जो इंडेक्स है ये दो इंडाइसेस से बना है, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड और निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। इन दोनों के जो टोटल स्टॉक्स हैं उनका हम ऐड करेंगे तो वो बनते हैं 750। तो इस पूरे इंडेक्स फंड में 750 स्टॉक्स हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में जब आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है एक ही फंड में तो आपको फ्लेक्सी कैप से मिलता है, उसी तरह से इंडेक्स में आपको इस फंड से मिल सकता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो कुछ इस तरह के रिटर्न्स इस फंड ने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल और इंसेप्शन से दिए हैं, जिसे आप निफ्टी 50 से यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हो। अब ऑफ कोर्स ये आपको निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप भी है, लेकिन वही आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर रिस्क भी थोड़ी ज्यादा आती है कंपेयर टू निफ्टी 50 जहाँ पर सिर्फ लार्ज कैप फंड्स होते हैं। और निफ्टी 50 से इस फंड का ट्रैकिंग एरर भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर ज्यादा है। अगर हम निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल सिर्फ ग्रो म्यूचुअल फंड उसे प्रोवाइड कर रहा है। अब अगले दो ऑप्शंस की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इंडेक्स फंड से बेटर रिटर्न्स कमाए। अब अगले दो ऑप्शंस हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। अब ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसमें वो कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 करोड़ से 5000 करोड़ तक का है, वही निफ्टी मिड कैप 150 में वो कंपनीज है जिनकी NSE पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 नंबर से 250 नंबर तक है। यानी कि मिड कैप इंडेक्स में आपको मिड साइज कंपनीज मिल जाएगी और स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको स्मॉल कैप कंपनीज मिल जाएगी। अगर आपको इसमें और जाना है तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 में आप जा सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर बहुत छोटी छोटी कंपनीज है माइक्रो कैप की जहाँ पर रिस्क थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से आज की वीडियो के बाद मैं एक्सपेक्ट आप सभी से ये करता हूँ कि इसमें भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं इंडेक्स फंड में और अपनी रिस्क के अनुसार वो कीजिए, लेकिन 3 से ज़्यादा फंड्स भी मत रखिए नहीं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि स्टॉक्स का ज़्यादा ओवरलैप ना हो, और ये ओवरलैप कैसे चेक करना है तो इस तरह से कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप उसे पता कर सकते हैं। अब देखिए जो ओवरलैप चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर क्या है कि कई सारे फंड्स आप खरीदते हो उसमें कॉमन स्टॉक्स होते हैं तो फिर वो डाइवर्सिफिकेशन करके मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपली शुरुआत से ही जब मैं इंडेक्स फंड में कर रहा हूँ, कुछ एक्टिव फंड्स में भी मैं करता हूँ और कुछ पैसिव में भी करता हूँ, तो मेरा फोकस तो यही था कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और इसीलिए मैंने अपना जो इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो है उसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इन तीनों में डाइवर्सिफाई किया, ताकि मेरी प्रोफाइल के अनुसार यंग हूँ तो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ और सिर्फ लार्ज कैप में जाके मुझे ज़्यादा बहुत सेफ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इसलिए मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें की जिसके चलते 23.42 का CAGR इस इंडेक्स फंड ने दिया है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इसमें रिसेंट टाइम में कुछ लक फैक्टर या फॉर्चुनेट फैक्टर्स भी हो गए हैं। 2020 के लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी रिकवर हुई है उसके बाद शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर आया है, तो ज़रूरी नहीं कि इसी तरह के रिटर्न्स आगे भी मुझे मिलते रहेंगे, बट हाँ ये है कि डाइवर्सिफाइड करने से थोड़े बहुत बेटर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें आपको अपने रिस्क को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जब भी आगे से कोई इंडेक्स फंड की बात करता है तो उन्हें ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें ज़रूर बताइए कि किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को जो इंडेक्स फंड है वो दो ही पता है, सेंसेक्स के और निफ्टी 50 के, और इसके बाहर कोई इंडेक्स फंड है ऐसा उन्हें पता ही नहीं है। तो उन्हें यही लगता है कि निफ्टी 50 उन्हें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन देगा और यही से उन्हें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि वॉरेन बफेट ने वगैरह बताया है। तो इस तरह से आप एक बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट को और भी बेटर बनाएंगे, और इसी तरह के वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इंडेक्स फंड में वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। और फिर जो हो रहा है कि बहुत सारे लोग 2-3 साल में एग्जिट कर रहे हैं, वैसा भी नहीं होगा। अगर आप इसे बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।